दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोलकाता टू दार्जिलिंग टूर के बारे में। तो दोस्तों कौन सा जगह से आपको ट्रेन लेना है, कौन सा ट्रेन जाएगा और अच्छा और सस्ता होटल के बारे में बताऊंगा और कैसे दार्जिलिंग में घूमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों आप 3 नाइट 2 डे आपके पास है तो आप दार्जिलिंग आराम से घूम सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह। तो मैं पहुंच चुका हूं सियालदह स्टेशन। यहां से 2 ट्रेन आपका बेस्ट जाता है जो है दार्जिलिंग मेल और पदातिक एक्सप्रेस, जो रात का टाइम का ट्रेन है, यही ट्रेन बेस्ट होता है जाने के लिए। तो दोस्तों जाता हूं, मैं ट्रेन आ गया, मैं जाता हूं ट्रेन में। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं NGP। तो अब ट्रेन से निकलता हूँ, बाहर दिखाता हूँ, आगे का सब कुछ बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये NGP स्टेशन है, यहाँ से मेरे को कार करना होगा। आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से आपको 2 तरह का कार मिलेगा, एक पर्सनल कार और शेयर कार। शेयर कार का फेयर आपका 200 रुपये से 250 रुपये रहेगा, आपको डायरेक्ट दार्जिलिंग पहुँचाएंगे। और एक बात बता दूँ, आप यहाँ ट्रैवल्स वाले के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट दार्जिलिंग जाए और खुद ही। तो दोस्तों मैं शेयर कार कर लेता हूँ कि क्योंकि यही मेरा बजट में रहेगा शेयर कार करने में, जो कि फेयर है 200 से 250। तो शेयर कार मिल चुका, मैं जा रहा हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, होटल आपको 2 जगह अच्छा होटल मिलता है, जो एक है मॉल रोड और रेलवे स्टेशन के पास, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास और मॉल रोड में। तो मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन के पास, पहले होटल ढूँढूँगा। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ। मुझे एक होटल मिल चुका जो कि मॉल रोड के एकदम पास में ही है। इस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मॉल रोड से 5 मिनट का दूरी में ही है होटल। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं दार्जिलिंग का होटल में। मेरा होटल देखिए, ये मेरा रूम है। तो चलिए दोस्तों चलते मेल रोड घूमने। घूमते आज तो यहाँ पे नाइट स्टे करना है, फिर सुबह जाएंगे जहाँ जा तो आपको बताएंगे और दिखाएंगे सब जगह। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जाते घूमने, तो चलिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों मेरा होटल के ठीक बाहर ही ये चर्च है, कितना अच्छा लाइटिंग किया हुआ है। मॉल रोड के ठीक सामने ही है ये चर्च। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ मॉल रोड, इसे लोग यहाँ पे मैल भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको गर्म कपड़े और स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ते में और बजट में आपको मिलेगा। अगर आपको खाना स्ट्रीट फूड, चाउमीन, मोमो, चिली चिकन, ये सब आपको आराम से यहाँ से अच्छा से मिल जाएगा। और गर्म कपड़े भी बहुत सस्ते में मिलते हैं, बहुत सारा दुकान लगा हुआ फूड में, आप देख सक रहे हैं। और ये घर के सजाने के लिए कुछ सामान यहाँ बिक रहे थे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मेल, जहां पे शाम के टाइम पे लोग यहां पे घूमने आते हैं। दार्जिलिंग जब भी कोई घूमने आते हैं तो यहां पे ज़रूर आते हैं घूमने, टाइम स्पेंड करने के लिए। हर एक कपल, हर एक फैमिली यहां पे देखिए घूमने आए। तो आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मेन मेल मार्केट में, जहाँ पर आपको गर्म कपड़े बहुत ही सस्ते में मिलेंगे। तो दोस्तों सेकेंड डे मॉर्निंग 4 AM सुबह का 4 बजे मैं जा रहा हूँ टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के लिए। निकल चुका हूँ तो आपको दिखा दो, सनराइज पॉइंट पहुँच चुका हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना भीड़ है सनराइज देखने के लिए। तो दोस्तों तो वेट करते हैं यहाँ पे सनराइज देखने के लिए। सभी कोई बोले 6 बजे के करीब में सनराइज होगा, तो वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना क्लाउडनेस है, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पे सूर्य उदय हो सकता है। सूर्योदय बाद दर्शन देंगे हम लोग को, तो आप वेट कर लेते हैं तो फिर निकलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस निकल चुके नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो है घूम मोनेस्ट्री, चलते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं घूम मोनेस्ट्री, इसको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी कहते हैं। अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों बाहर से कितना अच्छा है इसका नज़ारा है,
कितना फील होगा। लाफिंग बुद्धा, और ये हमारे बुद्धदेव। बुद्धदेव का दर्शन पाकर मन में पूरा खुश हो गया। दोस्तों इसके अंदर में वीडियो करने नहीं देता था पहले, इस बार दे रहा है इसलिए कर रहा हूँ मैं। और ये दोस्तों गुड लक व्हील है, जैसे हम लोग का घंटा होता है मंदिर में वैसे ये गुड लक व्हील। अब चलता हूँ बतासे लोग की तरफ, जाता हूँ टिकट कटाने। और बता दूँ आपको यहाँ का टिकट का फेयर आपको 30 रुपया है, तो ले लेता हूँ टिकट। तो मिल चुका हूँ, अब दिखा के अंदर जाता हूँ। 30 रुपीज़ का टिकट है। देखिए दोस्तों यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा। देखिए दोस्तों चाय बागान में जैसे औरतें लोग कपड़े पहनते हैं, वैसे यहाँ पे सब कोई पहन के फ़ोटो खिंचा रहे थे। और ये कपड़े का भाड़ा ले रहा था 50 रुपया, फ़ोटो का ले रहा था 50 रुपया। तो दोस्तों देखिए ये आई लव दार्जिलिंग के पास इतना भीड़ लगा हुआ है, सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे, मैंने भी खिंचा है यहाँ पर फ़ोटो। और आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल एंड पीस पकौड़ा। बुद्धिस्ट टेम्पल और पीस पकौड़ा दोनों ही पास पास में ही है। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसका अंदर वीडियो करना मना है, इसीलिए मैं बाहर से वीडियो कर रहा हूँ। और उसके बाद चलूँगा पीस पकौड़ा। तो दोस्तों आगे चलता हूँ पीस पकौड़ा की तरफ। देखिए दोस्तों दूर से ऐसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितना क्लाउडनेस किया हुआ है। सुबह का टाइम है, अभी सुबह 9 बज रहा है, फिर भी इतना देखिए क्लाउडनेस है। तो अंदर चलता हूँ, सामने जाके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ पीस पकौड़ा के ऊपर। तो ऊपर सामने जाकर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं एकदम टॉप में आ चुका हूँ जहाँ पे बुद्धदेव का मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पे चार तरह का मूर्ति बना हुआ, चारों मूर्ति आपको दिखाऊंगा। देखिए अलग अलग तरह का मूर्ति है। और यहाँ देखिए हैंड कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ, ये देखिए मूर्ति आपको दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड मूर्ति है। अब चलता हूँ थर्ड मूर्ति की तरफ में। ये गाइस देखिए थर्ड मूर्ति बुद्धदेव का। इसके बाद चलता हूँ आखिरी और चौथा नंबर। ये देखिए बुद्धदेव का मूर्ति आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद चलता हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट पे, और दूर से आपको दिखा दूँ देखिए ये पीस पकौड़ा। अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों, और ये टॉय ट्रेन, सबसे फेमस जो टॉय ट्रेन है यहाँ का दार्जिलिंग का, ये दार्जिलिंग स्टेशन। ये भी एक घूमने का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सभी टूरिस्ट आते हैं और टॉय ट्रेन से सभी दार्जिलिंग का नज़ारा देखने के लिए टॉय ट्रेन से घूमते हैं। बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से अगर टॉय ट्रेन से आप घूमते हैं तो। चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, टी गार्डन। मैं पहुँच चुका हूँ टी गार्डन चाय बागान में। तो दोस्तों अभी पहले ऐसा बागान नहीं है, यहाँ पे रोड बना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए देखिए खुदाई हो रहा चारों तरफ। तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितना ही है उतना दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों बहुत ठंड थी जिसलिए आपको देख के पता चल रहा होगा इतना क्लाउडनेस है यहाँ पे। तो मैं घुस चुका हूँ चाय बागान के अंदर, और ये दिखा रहा हूँ आपको चाय बागान। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा चाय बागान देखने में।
दोस्तों यहाँ से चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है टेंजिंग रॉक। टेंजिंग रॉक यहाँ पे सभी रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग कर रहे थे, देखिए कितना ये अंकल इतना भारी है फिर भी ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। सबके अपने अपने चाहत होते हैं करने के। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको दूंगा दार्जिलिंग टू गैंगटॉक जाने का वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ से गैंगटॉक गया था, तो वो वीडियो भी आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।